आखिरी तीन ओवर जब पाकिस्तान ने खेले, एक तरफ तीन ओवर थे, दूसरी तरफ सेंचुरी थी। आप समझते हैं कि रिजवान की सेंचुरी में 10 से 15 स्कोर कम बने, अगर 200 होना चाहिए था, तो उस चक्कर में कुछ कम स्कोर पाकिस्तान ड्रॉप कैच और फील्डिंग भी इतनी म्यारी नहीं थी। आप अगली ये सीरीज तो खत्म होगी, आगे 5 मैचों की मजीद सीरीज आ रही है, कहाँ कहाँ आप समझते हैं कि काम करने की जरूरत है? देखें, जब 15 ओवर हुए थे तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि 190 तक होना चाहिए, क्योंकि बीच में हम 2-3 ओवर हमने यूटिलाइज नहीं किया। खैर, न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी देना चाहिए, जो उन्होंने 2 ओवर या 3 ओवर में खेला, अगर मैं गलत ना हो तो उन्होंने वहाँ पे 6 या 7 ओवर के साथ उन्होंने फिनिश किया। मेरे ख्याल से आखिरी 3 ओवरों में रवि ने ट्राई की, लेकिन उससे लगी नहीं, उससे वैसे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कभी कभार एज अ बैट्समैन आप काफ़ी चीज़ें सोचते हैं और उस मोमेंट पे आप करते हैं कि यार मैं जितना कर सकता हूँ उतना पूरे टीम के लिए बेस्ट हो, लेकिन जिस तरह उसने पास में ऐसे बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेज दी हैं। हाँ, कह सकते हैं वो 2 ओवर हम और अच्छा कर सकते थे, किया भी है, लेकिन हम 10 रन और कर सकते थे। मेरे ख्याल से वो जो उससे एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से हम मैच हारे हैं या उसकी वजह से टोटल नीचे है। कभी कभार आपसे ऐसे ही होता है कि आप कुछ सोचते हैं, कभी कभार आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है, लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इंसान है, गलती हो जाती है, बड़े बड़ों से होती है, और इसमें ये नहीं है कि आप क्या हाँ, उसमें मेरे ख्याल से जैसी हमारी बॉलिंग थी हमें और अच्छा करना चाहिए था। और फील्डिंग देखें, इतनी कोई मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में इतनी इंपॉर्टेंट ड्रॉप कैच, हाँ वो कह सकते हैं, मैं उसी पे आ रहा था, ड्रॉप कैच देखें वो मैच को उसका भी है।